बोलिए हरित जी महाराज की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए चित्रकूट परम धाम की जय। सर जी, चित्रकूट धाम का 550 मंदिर का मुख्य मंदिर माना गया है राम भरत देव। जैसे काशी में विश्वनाथ जी, गया जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान, नासिक में काला राम जी, गोरा राम जी, अयोध्या में है राम जन्मभूमि का मुख्य मंदिर माना गया है, वैसे चित्रकूट में है राम भरत देव। अगर चित्रकूट धाम में आप दर्शन करने आए हैं, 550 मंदिर का आप दर्शन कर लिया, अगर राम भरत भेंट का दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है तो भरत जी महाराज यहाँ मनाने के लिए आते हैं। अयोध्यापुरवासी, जनकपुरवासी, समस्त 33 करोड़ के देवता के साथ में भरत जी महाराज सबसे पहले माता मंदाकिनी में स्नान करते हैं। यहाँ भरत सब सही सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय, मंदाकिनी में स्नान करने के पश्चात भरत जी महाराज इसी भूमि पे बैठ के 5 दिन तक लगातार रोते रहे कि प्रभु आप अयोध्या वापस चलिए। राम जी ने उन्हें अपने रक्कुल का वचन याद दिलाया, रक्कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई, हे भरत मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने फिर निवेदन किया, प्रार्थना किया, प्रेर किया कि हे प्रभु आप नहीं चल रहे हो तो कोई हमें ऐसा प्रमाण दो, कोई हमें ऐसा चिन्ह दो कि जिससे अयोध्या का राज चल सके। फिर उनको ऐसे चरण पादुका देते हैं, प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी सादर भरत सिद्ध लीनी। इन्हीं को अपना बड़ा भाई राम मान के यहाँ से पाई पाई पैदल अयोध्या, अयोध्या से 40-45 किलोमीटर बाहर नंदीग्राम पड़ता है, वहाँ राज सिंहासन में अपना बड़ा भाई राम मान के इनका पूजन करते थे। तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है, नित पूजत प्रभु पावड़ी प्रीत न हृदय समात, मांगी मांगी आयश करत राजकाज बोभान, नित दिन परत दिन भरत जी महाराज इन्हीं चरण पादुका का पूजन करके पूरे अयोध्या का राज चलाए। इतने बड़े राजा थे लेकिन राजमहल में बैठ के कभी भी 56 प्रकार का भोग नहीं लगाया। उन्हें एक गलान होती थी कि आज भैया हमारे कारण जंगल जंगल में भटक रहे हैं, जब तक प्रभु 14 वर्ष के बाद में पुनः वापस नहीं आते तब तक मैं भी अयोध्या राजमहल में पांव नहीं रखूंगा। हाथ जोड़ के दर्शन कीजिए, ये नीचे में सबसे बड़ी मूर्ति है हमारे प्रभु श्री भरत जी महाराज की, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सुई। ऊपर में दर्शन कीजिए, सबसे सावली मूर्ति राम जी की है, इस साइड में है माता जानकी, इस साइड में है भैया लक्ष्मण, राम बाम विश जानकी लखनदायिनी और ध्यान सकल कल्याण में सुरत तुलसी तो। बीच में है चार मूर्ति, राजा जनक, सत्यधन जी महाराज, सुकीर्ति मैया, सुनैना मैया। तीसरे लाइन में है तीनों महारानी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इस साइड में है त्रिपति बालाजी, कृष्ण कन्हैया लाल, बलदाऊ जी, काले काले ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान। बोलिए भरत जी महाराज जय। तो भाई चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहाँ पे राम भगवान ने अपने 14 साल में से 11 साल का वनवास किया था, और मेरे पीछे वही पहाड़ है। यहाँ पे इसकी परिक्रमा होती है, परिक्रमा मतलब इसका चक्कर लगाया जाता है, लोग यहाँ पे चक्कर लगाते हैं क्योंकि भगवान यहाँ पे रहे थे। और यहाँ पे कुछ 4 या 5 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ की परिक्रमाएँ करते हैं, परिक्रमा मतलब घूमते हैं ताकि भगवान उन पे अपनी दया दृष्टि, भगवान उन पे अपना हाथ रखे रहें। जैसे मुस्लिमों में मक्का मदीना पे लोग घूमते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें सेम हैं, भगवान एक है, रब तो एक ही है हमारा। तो बी सेक्युलर, ये सब कास्ट और कल्चर और इन सब में मत बांटो किसी को, सेक्युलर रहो, चीज़ें बांटो, जो कोई कह रहा है कहने दो, जो नहीं कह रहा है मत कहने दो, बट आप सही रहो क्योंकि हर एक धर्म हर एक जाति यही सिखाता है।
और हनुमान जी लक्ष्मण जी पीछे कहना है बोलो हे मैं हमारे मन से पापों का भक्षण करना यही तुम्हारा भोजन है। एक परिक्रमा कर लीजिए। खटखटा जोर माता जी क्यों पड़ा? पहले इसको बांस डंडे से आज 50 साल पहले हिलाया जाता था, खटखट बोलता था तो क्षेत्रीय भाषा में नाम पड़ गया खटखटा चोर। ये पत्थर एक बार में टका है, कोई सपोर्ट नहीं है। जब से सरकार ने रोक लगा दिया तब से इस पर हिलाना पड़ता है। हिलता भी था? हाँ, पूरा खटखट बोलता था, तब इसका नाम क्षेत्रीय भाषा में पड़ गया खटखटा। बारिश में होता है पानी तो होता है, पानी तो बाहर नहीं आता है। इसके ऊपर खेती बाड़ी होती है, हाथ वाचू की बत्ती है, कुआं तालाब है, हैंडपंप है। पत्र पुष्प से अपने पल्लों में भाई बंधु काका दादा अपने दाहिने हाथ में बेल पत्र पुष्प लेके जाना है, जो चाहेगा वही रख। भाई ये सब जो भी जड़ी बूटी वगैरह जो भी आप कहीं देखते हो तो कभी गलती से भी मत लेना, क्योंकि सब कुछ फेक है। सोचना भी मत लेने के लिए, 5 मिनट के लिए असर करेगी, बट ऐसी जड़ी बूटी जो वहाँ पे है उन्होंने लगाई है, ऐसी जड़ी बूटी कभी भी नहीं लेना। इससे बॉडी में पीने खाने को भी देते हैं लोग, ऐसा कभी मत करना, करोगे तकलीफ़ हो जाएगी, बिकॉज़ दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। एंड बिलीव मी, पहले की बात अलग थी, पहले तुक्कों पे गाड़ी और तुक्कों पे चीज़ें चला दी जाती थी, तुक्कों पे इंसान बचा लिए जाते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें सही हो सकती हैं, बट ऐसी जगह से कभी भी दवाई ना लें। अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो, मरना चाहते हैं तो कर लीजिए। राज तिलक कई यारी की।